इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से मारपीट के केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनोज तिवारी ने केस दर्ज कराया है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया है। इसके अलावा मनोज तिवारी ने आपराधिक साजिश रचने, गलत तरीके से रोकने और धमकी देने समेत कुल 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त सिग्नेचर ब्रिज का दिल्ली में उद्घाटन हुआ था उस वक्त मनोज तिवारी के वहां पर पहुंचने को लेकर काफी विवाद हुआ था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई थी। और अब बड़ी खबर ये कि मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया गया है मनोज तिवारी की तरफ से। और हम सीधा रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा का। मनोज, ये विवाद जो है पूरा का पूरा सिग्नेचर ब्रिज को लेकर, वो थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एफआईआर दर्ज कराई है और काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं मनोज तिवारी की तरफ से। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए मनोज तिवारी ने उसी दिन जो है कंप्लेंट थाने में दे दी थी, अगले दिन ही कंप्लेंट दे दी थी थाने के अंदर, और जो कंप्लेंट दी गई थी उसी को पुलिस ने एफआईआर बना लिया है और एफआईआर नॉर्थ ईस्ट जिले में दर्ज की गई थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था और अब कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनकी बढ़ने वाली है, क्योंकि एफआईआर के अंदर विधायक अमानतुल्ला खान का भी नाम है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का भी नाम है एफआईआर के अंदर। और आपको बता दें कि 6 धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 308 धारा है गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास है, 323 मारपीट, 120 भी साजिश रचना, इसके अलावा 341 आईपीसी गलत तरीके से रोकना, 506 धमकी देना। तो कहीं ना कहीं जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद अब आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। जी, लेकिन पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है मनोज, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी अब आगे क्या करेगी? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए इस मामले के अंदर उस दिन 3 एफआईआर दर्ज की गई थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं तौकीर खान, उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके अंदर मनोज तिवारी का भी नाम है। अब फिलहाल पुलिस के जो सूत्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि अब जो जिन जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनको बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हमें देते हुए मनोज वर्मा के, मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो पूरा का पूरा जो झगड़ा हुआ था सिग्नेचर ब्रिज को लेकर, जो विवाद हुआ था उसको लेकर, अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्ला खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया है। इसके अलावा कुल 6 ये धाराएं हैं जिनमें ये मामला दर्ज हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।